हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 11 बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर का पार्टनरशिप डीड टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले पार्टनरशिप क्या होता है, कितने पार्टनर्स होते हैं, किस टाइप के होते हैं, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, हमारा प्रोसीजर क्या होता है जिससे पार्टनरशिप फर्म हम स्टार्ट कर सकते हैं, यानी उसका फॉर्मेशन, ये सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप बिल्कुल मेरी पुरानी प्लेलिस्ट पे जाइए बिजनेस स्टडी की, और उसमें वीडियोस लाइन बाय लाइन पड़े हुए हैं, तो आप उन्हें जरूर देखिए। इससे पहले जो बाकी आपका फर्स्ट चैप्टर था बिजनेस स्टडी का और सोल प्रोप्राइटरशिप सेकंड चैप्टर का जो पार्ट है, वो सारे टॉपिक भी मैंने वहां कवर किए हैं, और आगे भी आपके जो चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड एक एक टॉपिक या दो दो टॉपिक उठाकर मैं उसे शॉर्ट नोट्स में आपको समझाऊंगी। तो बिल्कुल मेरे चैनल से आप बने रहिए ताकि आपको वीडियोस वगैरह प्रोवाइड होते रहें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप पर आपके पास तुरंत पहुंचे मेरे वीडियो अपलोड करते ही। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप डीड। ये क्या होता है? इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशन। एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है ये जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस दी होती हैं पार्टनर्स के एग्रीमेंट की। इससे पहले मैंने बताया था कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप रिटन एग्रीमेंट भी कर सकते हैं और आप ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं होता आपका एग्रीमेंट रिटन वे में करना, बट किसी भी तरह के डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए पार्टनर्स जनरली किस तरह का एग्रीमेंट करते हैं, रिटन करते हैं कि आगे इन फ्यूचर अगर उन्हें कहीं प्रूफ देना पड़े तो वो उस डॉक्यूमेंट को या उस एग्रीमेंट को दिखा सकते हैं। उसी तरीके के डॉक्यूमेंट को या एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। यानी पार्टनर्स के बीच आपस में एग्रीमेंट हुआ है और पार्टनरशिप की जितनी भी डिटेल्स है आप उसे एक डॉक्यूमेंट में उतार दो तो वो चीज आपकी क्या कहलाती है, पार्टनरशिप डीड कहलाती है। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं एग्रीमेंट के जो पार्टनर्स के बीच हुए हैं। इट इज अ स्टैम्प्ड पेपर ऑन विच द रूल्स रेगुलेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप आर रिटन। ये एक ऐसा आपका स्टैम्प पेपर होता है, यानी कि एक ऐसा पेपर जिसपे स्टैम्प लगेगा रजिस्ट्रार की तरफ से, जहां आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे उनकी तरफ से स्टैम्प लगेगा कि हाँ कंपनी के ये रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं फर्म की जिस पर हम वर्क करते हैं, और भी कई सारी चीजें आपकी इस पार्टनरशिप डीड के अंदर होती हैं। इट ऑल्सो कंटेन दी राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म की राइट्स एंड ड्यूटीज भी मेंशन होती हैं कि हर पार्टनर जो है उसकी कितनी ड्यूटीज हैं और आपकी पूरी फर्म की क्या क्या ड्यूटीज या क्या क्या उनको फायदे मिलेंगे अगर वो पार्टनरशिप फर्म में इंगेज हैं। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें जरूरी चीजें क्या हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस इम्पॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट वर्ड इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक, देन रूल्स रेगुलेशंस टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये भी जरूरी है। अब ये एक डॉक्यूमेंट है तो जाहिर सी बात है कि ये रिटन फॉर्म में होगा, ठीक, तो ये चीज आपकी पार्टनरशिप डीड कहलाती है। देन आते हैं कि एक जनरल हम व्यू देखें कि आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर मौजूद क्या होता है। तो इट्स कंटेंट्स, यानी कि कौन कौन से जनरली आपके टॉपिक मौजूद होते हैं पार्टनरशिप डीड में, यानी आप इसके अलावा भी पार्टनरशिप डीड जब बनाएं तो आप अदर पॉइंट्स तो ऐड कर ही सकते हो, लेकिन बेसिक आपके 14 पॉइंट्स जो होते हैं वो पार्टनरशिप डीड में आपको लिखने ही होते हैं, यानी वो जनरल पॉइंट्स हैं उन्हें आपको मेंशन करना ही होगा, उसके बिना आपकी पार्टनरशिप डीड जो डॉक्यूमेंट है वो इनकम्प्लीट होता है। तो पहला पॉइंट अगर मैं देखूं तो क्या है, सबसे पहले आप के फर्म का नाम क्या है वो आपको मेंशन करना है, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स जो जितने भी पार्टनर्स हैं आपके उनके नाम क्या हैं, उनके एड्रेसेस क्या हैं, देन नेचर ऑफ बिजनेस, यानी आप जो बिजनेस कर रहे हो किस चीज का बिजनेस कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं तो किस चीज की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी जैसा भी आपका बिजनेस है उसका नेचर क्या हो रहा है उस बिजनेस में, ये आपको बताना जरूरी है। देन प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस आपका जो फर्म है उसका ऑफिस कहाँ है, उसका एड्रेस आपको मेंशन करना होता है, ऑफिस का एड्रेस आप मेंशन करेंगे, ठीक। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, सारे पार्टनर्स कितने कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कैपिटल का, यानी हर एक पार्टनर ईच पार्टनर कितना कैपिटल लेकर पैसा लेकर पार्टनरशिप में
आ रहा है ये आपको मेंशन करना जरूरी है। जैसे अगर चार पार्टनर हैं और चारों 4 लाख रुपए लेकर आ रहे हैं तो ये चीज क्या है, उनका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, या कोई 2 लाख ला रहा है या कोई 1 लाख ला रहा है, तो ये आपको मेंशन करना जरूरी होता है। देन आते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि आपको जब प्रॉफिट होगा तो आप उस प्रॉफिट को सारे पार्टनर्स में किस रेशियो में बांटेंगे, रेशियो क्या रहेगा, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। अब जैसे अगर कोई कंपनी में 5 लाख कंट्रीब्यूट कर रहा है और आप ये फॉलो करो कि नहीं हम सबको इक्वल प्रॉफिट ही देंगे, तो ये चीज तो गलत है, क्योंकि वो पैसा ज्यादा लेकर आ रहा है, उसके इसमें उसे प्रॉफिट भी थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए। तो यानी कि किस रेशियो में, वो रेशियो आपको मेंशन करना जरूरी होता है कि आप 1:2:3 रेशियो में बांटेंगे या 2:3:4 रेशियो में 3 पार्टनर्स के बीच अपने प्रॉफिट को बांटेंगे, तो ये मेंशन करना जरूरी होता है। देन आते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की क्या क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, उनके पास कितना कितनी चीजें वो पार्टनरशिप में कंट्रोल कर सकते हैं या वो क्या चीजें नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीजें वहां मेंशन होनी चाहिए। देन मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स। आप अकाउंट्स जो बना रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म के, जो भी आप अकाउंट ट्रांजैक्शंस वगैरह दिखाओगे, वो कौन से मोड यानी किस तरह का अकाउंट्स आप बनाएंगे, किस तरह के अकाउंट्स आप मेंटेन करने जा रहे हैं, उनका मेथड क्या है, ये सारी चीजें बताना जरूरी है। देन 9th पॉइंट है आपका ROI पेबल टू पार्टनर्स ऑन देयर कैपिटल। यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि हर पार्टनर क्या लेकर आएगा, कैपिटल लेकर आएगा, वो जो कैपिटल लाता है उसका उसे मंथली या फिर क्वार्टरली इंटरेस्ट भी मिलता है कंपनी की तरफ से। तो कितना इंटरेस्ट कितने पार्टनर्स को मिलेगा, कौन कौन से पार्टनर्स जो आपके यहाँ कैपिटल जिस हिसाब से लाए हैं उस हिसाब से उनका इंटरेस्ट क्या बनता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बनता है, वो आपको मेंशन करना जरूरी है। देन आते हैं ROI पेड बाई पार्टनर से विड्रॉन हैज मेड। अगर सपोज ऐसा है कि किसी पार्टनर ने कोई कुछ पैसा विड्रॉ किया कंपनी से, ठीक है, कुछ पैसा निकाला कंपनी से, तो वो पैसा निकालने पर भी जितना पैसा आपने निकाला है उसका इंटरेस्ट पार्टनर पे लगता है। जैसे आप बैंक से लोन लो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, सेम वही कॉन्सेप्ट आपका होता है कि पार्टनर अगर अपनी फॉर्म से पैसा निकाल रहा है तो उसे उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देना पड़ेगा, ये भी वहां परसेंटेज मेंशन होनी चाहिए आपके पार्टनरशिप डीड में। देन आते हैं 11th पॉइंट की बात मैं करूं तो अमाउंट ऑफ सैलरी टू पार्टनर्स। हर पार्टनर को, जितने भी पार्टनर्स हैं उनको कितनी सैलरी मिलेगी, क्योंकि सब लोग एक दूसरे के लिए काम करते हैं और मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं, तो इस केस में उनकी सैलरी होती है, तो हर पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी वो अमाउंट आपका मेंशन करना भी जरूरी है। 12th पॉइंट पे आते हैं प्रोविजन रिगार्डिंग रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन। अगर कोई पार्टनर रिटायर होगा इन फ्यूचर, या फिर डिसोल्यूशन, या फिर आप अपनी कंपनी को डिसॉल्व करोगे, या पार्टनर आपस में छोड़ के फाइनली पार्टनरशिप फॉर्म क्लोज करेंगे, तो उसमें आपके क्या प्रोविजन रहेंगे, यानी किस तरीके से, क्या रूल्स रेगुलेशन आप फॉलो करोगे, किस तरीके से किसी पार्टनर को रिटायर करोगे और उसके शेयर का, उसके हिस्से का इंटरेस्ट या उसके हिस्से का प्रॉफिट किस तरह बाकी लोगों में फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सारी चीजें आपको मेंशन करना जरूरी है कि जब रिटायरमेंट होगा या जब कंपनी डिसॉल्व होगी यानी खत्म होगी, एंड होगा कंपनी का, तो आप किस तरीके से वहां पे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, क्या आपके प्रोविजन्स हैं। देन आते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सॉल्व करने का मेथड आपका क्या रहेगा इन फ्यूचर, वो भी आपको यहाँ बताना चाहिए। कौन सी पॉलिसी, कौन से रूल्स आप फॉलो करेंगे इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच डिस्प्यूट होता है तो वो भी बताना जरूरी है, और अगर पार्टनर्स के बीच डिस्प्यूट नहीं होता है, किसी बाहरी व्यक्ति के बीच साथ डिस्प्यूट हो रहा है, तो वो भी बताना जरूरी है कि आप उसको क्या, किस मेथड से सॉल्व करोगे। देन आते हैं लास्ट पॉइंट, वेदर इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन दी लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर्स। ये भी आपका मेंशन करना जरूरी होता है कि अगर पार्टनर्स किसी को लोन दे रहे हैं, ठीक है, कंपनी के पार्टनर्स किसी को लोन दे रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी को या किसी बाहरी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट किया है, या उसको पैसे की जरूरत है, तो उसको पैसे आपने कंपनी से निकाल कर दिए हैं, तो उस केस में वो पर्टिकुलर बंदा आपको कितना इंटरेस्ट देगा या कंपनी को कितना इंटरेस्ट देगा, वो भी मेंशन होना जरूरी है। वेदर इंटरेस्ट इज पेएबल यानी कि इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा तो कितना लगेगा, और क्या प्रोविजन उनका लोन के केस में, अगर लोन प्रोवाइड किया जा रहा है पार्टनर्स की तरफ से, तो उसका इंटरेस्ट मेंशन होना भी जरूरी है। सो ये आपकी 14 बेसिक डिटेल्स हैं जो कि आपके किसी भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती ही होती हैं। इसके अलावा आप बाकी डिटेल्स भी पार्टनरशिप डीड में ऐड करना चाहते हो अगर आपका बिजनेस उस तरीके का है तो, अदरवाइज इतना काफी है। सो ये आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया पार्टनरशिप डीड क्या होता है।
नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करूंगी कि उसका मीनिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं। तो आगे भी आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा लेक्चर को। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ हो। आपको कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। मेरे चैनल पे अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर दबा दें, थम्सअप कर दें वहां पे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।